अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेरिन ज़ादा हूँ और यहाँ गेदर झील से हमने सरबांडा के लिए ट्रैक शुरू कर दिया है हमने। और आगे आपको सरबांडा और सरबांडा के साथ, सरबांडा एक ऐसा मुकाम है जो शैतानगढ़ झील का बेस कैंप भी इसको आप कह सकते हैं, तो वहाँ हम जा रहे तो साथ रहे। ये गेटवे है, गेटवे ये अगर आप जाते हैं सरबांडा सरमिडोज चट्टान बीच में रास्ता, ये बोल्डर्स है, लेकिन बोल्डर में ट्रैक मौजूद है, यह एक अच्छी बात है। अगर आप देखें तो ट्रैक है, इस वजह से हम सफ़र कर रहे हैं और आसान है, वरना अगर इन बोल्डर में ट्रैक ना होता तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। सामने जो ग्लेशियर आप देख रहे हैं, इस पर हम जो है ना आगे जाएंगे और टॉप तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। इस ग्लेशियर पर हम आए तकरीबन एक रंग बिरंगे फूल, बल्कि येलो फूल। और यहाँ से आप नज़ारा देख लीजिएगा, गेदर झील बिल्कुल सामने, और ये हम बिल्कुल पीक पे आ गए। तो ड्रोन भी, हमारा दोस्त का जो ड्रोन है वो भी है। सरबांडा झील और ये सरबांडा पास, और ये पहुंच गया हमारा मोहतरम जनाब शेरिन ज़ादा साहब। ये तो एक्सेलेंट जॉब, एक्सेलेंट जॉब, एंड सरबांडा इज वेटिंग फॉर यू सर। और ब्यूटीफुल व्यू, और इस तरफ पे ये गिदर लेके सामने। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? बस अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन हमने वहाँ से कोई 4 घंटे में रास्ता हमने तय किया। आप लोग तो 2 घंटे में आए, माशाल्लाह माशाल्लाह 4 घंटे में आए स्टे करते हुए। आपकी हिम्मत को सलाम है सर। अगर सामने वो झील आपको दिखाए, ये गिदर झील, यहाँ से आप देख सकते हैं। बहरहाल ये गिदर झील, और अब हम आपको ये वैली दिखाते हैं। जी सर। ओ वाह, ये तो ये कोई और झील है, सरबांडा। ये सरबांडा झील। जी सर। हाँ हाँ सर, सरबांडा झील, सरबांडा मेडोज और सरबांडा झील। जी सर। सर मेडोज और सरबांडा और झील भी, क्या बात है। बर्फ से ढके पहाड़, हरियाली,
क्या है? कॉर्नर में शैतानगढ़। अच्छा शैतानगढ़ उधर ही है। हाँ, जो क्लाउड है। अच्छा के दामन में। अच्छा वही क्लियर होगा तो शैतानगढ़ के लिए आबशार नजर आएगा। अच्छा। तो ये अब हम बहुत ही ज्यादा ऊपर आ गए हैं और ये रास्ता किधर गया है सर? ये नीचे सीधा ये वैली नीचे उतरती है केदाम में। अच्छा ये केदाम में। तो हमारा वापस इस तरफ है। हाँ, पास है तो ये नीचे झील और सब चीजें यहाँ पर मौजूद है। सरबांडा झील, सरबांडा, शैतानगढ़ सामने, क्या ही बात है। आज हम बहुत हार्ट पे आ गए। प्रोफेसर अजहरुद्दीन की जो मिशन है इको कल्चर टूरिज्म सर, ताकि लोगों जो है इको टूरिज्म के बारे में थोड़ा एजुकेट करें। हाँ। तो वो जो जब भी माउंटेन पे जाते हैं तो इस वहाँ का एनवायरनमेंट का और वहाँ का कल्चर का खसूसी ख्याल रखें, कि उनका आजकल जहाँ जो स्पॉट जो ज़्यादा एक्सप्लोर हुई है और लोग वो ज़्यादा जा रही है तो वो स्पॉट जो है दिन ब दिन वो गंदा हो जा रही है। अच्छा ऐसा है कि बिल्कुल हम सरबांडा पास पे मतलब टॉप पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम इतनी बुलंदी पर मेरा ख्याल 4000 से ज़्यादा मीटर की बुलंदी है। एग्जैक्टली। और यहाँ से आपको पैगाम दे रहे हैं कि आप जब भी आए तो इस एनवायरनमेंट का ख्याल रख के यहाँ से ना कोई चीज़ लेके जाए ना कोई चीज़ लेके आए, बस अपना सैर करें, अपना इंजॉय करें कुदरती मनाजिर को और लुत्फानंदोज हो और फिर वापस चले जाए जितने दिन भी आपने यहाँ रहने। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, कैसा लगा आपको ये टूर? सर बहुत ही बेहतरीन। बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन सर। और जितनी हमने मेहनत की, जितनी हमने हिम्मत की इधर तक पहुँचने में, सारी थकावट हम भूल गए। आपको तो पता है कितनी मुश्किल से आपने मुझे आप पहुंचाया है। बिल्कुल सही। आपके हेल्प के बगैर मैं ही नहीं देख सकता था। तो आप पहले तो आपको बहुत थैंक यू सर। नहीं, आपने हिम्मत की और फिर ये जितनी खूबसूरत सीनरी और सारी थकावट सारी जो परेशानी थी वो खत्म हो गई। चलो शुक्र अल्लाह का। अगला जो झील है उसमें भी आपकी जो आपके हेल्प की जरूरत होगी इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे जाएंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। ये मैं आपको बता दूं कि जिस तरह चलना मुश्किल होता है इस तरह उतरना भी मुश्किल है। ये आसान काम नहीं है। हमने तकरीबन कोई 2 घंटे में ये जो सरबांडा टॉप है नीचे झील तक आने के लिए तकरीबन 2 घंटे लगे। एहतियात से आना पड़ता है, स्लिपी है, पाँव जो है ना फिसल जाती है तो काफ़ी मतलब ख़तरनाक है, तो एहतियात की ज़रूरत है। बाकी कल इंशाल्लाह रात हमारा इधर ही है और कल इंशाल्लाह शैतानगढ़ ट्राई करेंगे। किस्मत को अगर मंजूर हुआ तो वहाँ पर मुलाकात करेंगे, लेकिन सुबह मैं इंशाल्लाह आपको इस झील का नज़ारा भी करवाऊँगा। ठीक है और झील किनारा।